फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपनी साइकिल के हैंडल को है थोड़ा टाइट कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हमारे जो साइकिल का हैंडल है वो थोड़ा लूज हो जाता है और हमारे आगे वाले पहिए की दिशा और हैंडल की दिशा कुछ बदल जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने साइकिल के हैंडल को थोड़ा टाइट कैसे कर सकते हैं ताकि आपका पहिया और हैंडल जो है एक ही दिशा में रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये हैंडल और इसके आगे वाला टायर बिल्कुल सही दिशा में है, लेकिन फ्रेंड्स अगर हम थोड़ा सा भी इसे जो है टायर को यहाँ से रोक दें तो ये हैंडल जो है आप देख सकते हैं बिल्कुल ही फ्री जो है घूम रहा है इसके इशारे के बिना। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगा कि आप जो है इस हैंडल को कैसे टाइट कर सकते हैं जो कि लूज है और टायर के साथ घूम नहीं रहा जबकि फ्री घूम रहा है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे जो है कैसे टाइट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे टाइट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे अपनी बेस्ट पोजीशन पे सेट कर दीजिए, यानी कि इसकी सही पोजीशन पे सेट कर दीजिए। और फ्रेंड्स, उसके बाद जो है आप इस बोल्ट को अच्छी तरह से सेट करके और बहुत ही अच्छी तरह टाइट कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इस बोल्ट को है थोड़ा टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो है आप देख सकते हैं कि हमारे जो साइकिल का हैंडल और टायर की दिशा को हमने एकदम बिल्कुल परफेक्टली सेट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम इस बोर्ड को थोड़ा टाइट कर देंगे। तो चलिए हम इसे है जो थोड़ा सा टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले इसमें टूल सेलेक्ट करना है कि कौन से नंबर का टूल जो है इसमें बिल्कुल फिट आ रहा है, और उसके बाद आपको सिर्फ से अच्छी तरह से टाइट कर देना है। सो फ्रेंड्स, ये बोल्ट जो है टाइट तो हो चुका है, लेकिन सबसे पहले चेक कर दीजिए कि क्या आपने इस बोल्ट को टाइट करने से आपका ये जो है टायर वो बिल्कुल फिक्स हो गया है या फिर अभी भी ये फ्री वर्क कर रहा है। तो फ्रेंड्स, हम इसे थोड़ा चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वक्त देख सकते हैं आपके हैंडल जो है वो इसके साथ फ्री नहीं घूम रहा है, लेकिन फ्रेंड्स कई बार जो है हमारा हैंडल इस बोल्ट को टाइट करने के बाद भी जो है थोड़ा सा फ्री घूमता रहता है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जो है आपको इस बोल्ट को काफ़ी अच्छी तरह से बहुत ज़्यादा टाइट करना होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या फिर हमारे इस वीडियो से आपकी कोई मदद हुई तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।